नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, नगर निगम बनेगा श्रीनगर, मरीन ड्राइव का भी ऐलान। श्रीनगर से भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को बने 21 साल हो गए हैं, हम उत्तराखंड को देश का सबसे आदर्श राज्य बनाएंगे। सरकार के समस्या के सरलीकरण, समस्या का समाधान और निस्तारीकरण पर फोकस है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण तहसील दिवस बंद है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाने की बड़ी घोषणा की है, साथ ही श्रीनगर में मरीन ड्राइव बनाने का भी ऐलान किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनगर की पीने की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने योजनाओं का ऐलान भी किया। उन्होंने लोगों को बीमारी से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं, सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार की योजनाएं भी गिनाई। टिहरी घनसाली गुत्तो मोटर मार्ग पर खाई में गिरा डंपर, चालक की मौके पर ही मौत। टिहरी जनपद के घनसाली गुत्तो मोटर मार्ग से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही। यहां पर धौपरधार के समीप एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार घनसाली गुत्तो मोटर मार्ग पर एक डंपर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा धौपरधार के समीप हुआ। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया व मृतक की पहचान राम महतुर 35 वर्ष पुत्र मोहर बहादुर निवासी क्रेसर प्लांट सांकरी खुतु के रूप में हुई। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। खुशखबरी, 10 सितंबर को दून में लगेगा रोजगार मेला, ऑनलाइन करे आवेदन। राजधानी में अप्रैल माह में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के बाद जहां विभिन्न सरकारी कामकाज प्रभावित हुए, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में भी रोजगार मेले का आयोजन नहीं हो पाया। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद आगामी 10 सितंबर को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत 16 कंपनियां प्रतिभाग करने जा रही हैं। 12 दिन बाद खुला टनकपुर चंपावत NH, लोगों ने ली राहत की सांस। स्वाला में लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे 12 दिनों बाद शुक्रवार 3 सितंबर को खुल गया। यह हाईवे बीती 23 अगस्त से बंद पड़ा हुआ था। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिथौरागढ़ आपदा क्षेत्र के लिए हरीश धामी ने विधायक निधि से दिए 10 लाख रुपए। विधायक हरीश धामी ने अपनी विधानसभा धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र जुम्मा गांव का दौरा किया। विधायक हरीश धामी 8 किलोमीटर पैदल चलकर आपदाग्रस्त जामुनी तोक पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने सरकार से आपदा प्रभावितों का सहयोग करने की अपील की। कांग्रेस ने खटीमा से शुरू की परिवर्तन यात्रा, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प। कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के 4.5 साल के भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। रानी पोखरी पुल हादसा, जांच टीम पहुंची, हो रहा आइडियोलॉजिकल परीक्षण। रानी पोखरी में 27 अगस्त को अचानक पुल ढह गया था। उस समय पुल के ऊपर वाहन चल रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल का निरीक्षण किया था। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए थे। आज जांच टीम रानी पोखरी पहुंची है। अनोखा प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश सचिव नंदलाल का गड्ढे में धरना। रुद्रपुर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदलाल महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। नंदलाल ने गड्ढा खोदा और उसमें घुस गए। इसके बाद उन्होंने खुद को गर्दन तक मिट्टी से ढक लिया। नंदलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उन्होंने खुद को गड्ढे में भूमिगत कर लिया है। तेजाब से हमले की आशंका वाले हरीश रावत के ट्वीट पर पुलिस अलर्ट, परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा कड़ी। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर आशंका जताई है कि परिवर्तन यात्रा में किसी नेता पर तेजाब फेंका जा सकता है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रवक्ता अमित सिन्हा का कहना है कि ट्वीट का संज्ञान लिया गया है। इसको लेकर परिवर्तन यात्रा वाले जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं को पीटने वाले कोतवाल का प्रमोशन, बनाए गए रोड की प्रभारी।
मंगलौर कोतवाली में भाजपा नेता की पिटाई मामले में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान तो लिया है और कोतवाली प्रभारी यशपाल बिष्ट का तबादला भी कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंगलौर जैसे छोटे से स्थान से निकालकर उनको रुड़की शहर का प्रभारी बना दिया गया है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ठगी के एक आरोपी को छुड़ाने कोतवाल गए थे, उसी दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं की झड़प हो गई। बिन कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के लोग पहुंच रहे मसूरी, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हो रही, इसी के साथ ही कोविड 19 के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के साथ पुलिस ने कोरोना को हल्के में ले लिया है और इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। नियमों के अनुसार वीकेंड पर मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, साथ ही एक दिन में अधिकतम 15,000 पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाना है। इन नियमों का पालन न कराए जाने की चिंता जाहिर करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर नियमों का 100% पालन कराने को कहा है। डीएलएड प्रशिक्षकों की 20 दिन के अंदर होगी नियुक्तियां। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारी के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती की बाबत हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते रोज हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहला मौका डीएलएड प्रशिक्षकों को मिलने वाला है। मूसलाधार बारिश से सैणराथी गाँव में जमीन फटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से मुनस्यारी सैणराथी गांव के ऊपरी हिस्से में जमीन फट गई। गांव के एक बड़े भूभाग में जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इन दरारों की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 15 सेंटीमीटर से अधिक है। जमीन दरकने से खतरे की जद में आए गिरगांव और भंडारी गांव में मकान टुकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में स्थित गिरगांव और भंडारी गांव में पिछले एक माह से जमीन दरक रही। जाकुला नदी से लेकर गांव तक जमीन धंसने से मकान धीरे धीरे टूटकर कई हिस्सों में बढ़ रहे हैं। प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया है। उत्तराखंड का राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी ले सकता है सस्ता खाद्यान्न। देश के किसी भी हिस्से के राशन कार्ड धारक व्यक्ति को उत्तराखंड आने पर भूखा या बगैर खाद्यान्न नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें राज्य का राशन कार्ड धारक नहीं होने के बावजूद यहाँ भी सस्ते खाद्यान्न का अधिकार मिलेगा। राज्य के 23.80 लाख राशन कार्ड धारक भी अन्य राज्यों में इस सुविधा का बेहिचक लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, राज्य के भीतर भी एक जिले में तय सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ता खाद्यान्न लेने की बाध्यता भी अब नहीं रह गई है। केंद्र की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से यह मुमकिन हो सका है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के रास्ते पर चलकर राज्य सरकार 702 करोड़ सस्ता कर्ज पाने की हकदार भी बनी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।